हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह, स्वागत है आपका ओलछान व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको फिर लेके आया हूँ T10P2 के पास, और आपके साथ उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिरकार कितना काम यहाँ पे हुआ और T10 का डिस्टेंस कितना है, कौन सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है और पटरी का क्या हाल चाल है। वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आने वाले वीडियो में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आने के बाद हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आगे का वीडियो शुरू करता हूँ। तो फर्स्टली फ्रेंड, मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ चारों साइड के व्यूज। T10P2 के पास जहाँ पर ख़त्म होता है T10, वहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और एक छोटा सा ब्रिज जिस पर मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रिज है बीच में 500 से 600 के मीटर का। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आखिरकार किस तरीके के व्यूज़ है चारों साइड। जब आप यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर जब आओगे या जाओगे, यहाँ से अप एंड डाउन होंगे, तो कुछ इस तरीके के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको कोशिश करता हूँ टनल की साइड ले जाने की, T10P2 की साइड की, आखिरकार काम का हाल चाल जानेंगे। तो ये है T10 टनल जिसकी साइड मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा सारी अपडेट आपके पास रखने की। और हर काम की बात की जाए तो काम काफ़ी अच्छा, जिसको मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और ये जो आप रेड कलर की पाइपलाइन देख रहे हैं, ये फायर जो आग वगैरह लगती है उसके लिए ये लगाई गई है। मैंने इनसे डिस्कशन की है अभी। और ये सारी साइड में जितने भी काम होने थे वो इस पे टनल में चल रहे हैं। T10P2 है, P2 वाली साइड जहाँ पर फिनिश होता है उस साइड से मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ। और पटरी का काम जो है और लाइटिंग का काम जो है वो अभी चल रहा है। और ये टनल बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी आई बी डी कुछ ऐसा नाम था, और IDTC कुछ ऐसा नाम था, तो उसने ये टनल बनाया था। बट अभी पटरी का जो काम है वो पारस कंपनी कर रही है, और लाइटिंग का जो काम है वो ब्रेकर कर रही है। तो दोनों के काम अभी लाइटिंग और पटरी के जो काम है वो अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, और अच्छे काम जिसको मैं बोल सकता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं अंदर अभी इस पर आपको लेके जा रहा हूँ अंदर तक कि आखिरकार है कैसा। बट जब भी इन टनलों का शूट करने के लिए, मैं आपको थोड़ी सी अपनी बात शेयर कर लूँ, जब भी इन टनलों को शूट करने के लिए मैं आता हूँ तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले परमिशन लो, परमिशन के बाद अंदर जाओ, सेफ्टी के साथ जाओ, कुछ इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें टाइम लगता है। और कभी कभी मैं इस चीज़ से थक भी जाता हूँ कि आखिरकार एक वीडियो शूट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। मे भी करना पड़ता है, जब काम है तो काम है। और हम बात कर रहे थे T10P2 की, और P2 वाली साइड से आप देख रहे होंगे काम जो है बिल्कुल अच्छे, जिसको मैं बोल सकता हूँ आने वाले कुछ महीनों में ये टनल आपके पास बिल्कुल रेडी एंड मूव के लिए हो जाएंगे कि आप पटरी कभी ट्रेन कभी भी दौड़ा सकते हो इस पर। तो इस तरीके के जो काम हैं वो हुए हैं और होते रहे हैं, तो अच्छा जिसको मैं बोल सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं साइडों में एक इस तरीके का है, ये फायर एंड इमरजेंसी वाली लाइन जो रेड कलर की है, ऊपर से और कुछ इन्होंने क्लिप्स दे रखे हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या वायरिंग आएंगी, क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन या कुछ जो भी लगेगा इस तरीके के। अगर दूसरी तरीके के काम जो हैं वो चल रहे हैं और अच्छे काम जिसको मैं बोल सकता हूँ, और आने वाले आऊँगा जब ये सारे कम्प्लीट हो जाएंगे फिर कोशिश करूँगा मैं आपको अपडेट करने की। तो ये सारी जो अपडेट थी ये थी T10P2 की, जहाँ पे फिनिश होता है P2, और कोशिश करूँगा मैं P1 जिस साइड से स्टार्ट होता है उस साइड भी मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपने भाई सुजान को दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ एक छोटे स्टेडियम में फिर एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।